जिलाधिकारी केवजन पांडेन ने जनपद में कृषकों के द्वारा आधार कार्ड आधारित उर्वरकों के लेन देन को बढ़ावा देने तथा गैर आधार कार्ड लेन देन को शून्य कराने हेतु निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी निजी व सहकारी उर्वरक विक्री केंद्रों के द्वारा POS मशीन से 100% आधार कार्ड के माध्यम से किसानों को उर्वरकों की बिक्री की जाए। जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने यह भी निर्देश दिया है कि आधार कार्ड आधारित उर्वरकों को लेन देन बढ़ावा हेतु जनपद के सभी निजी व सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्र पर आधार के माध्यम से ही उर्वरक क्रय किए जाने संबंधित एक बैनर लगवाकर किसानों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और बैनर पर जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक, AR कोऑपरेटिव व मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जनपद के सभी सहकारी निजी उर्वरक विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि चालू वर्ष में गैर आधार कार्ड आधारित उर्वरक का लेन देन शून्य हो, अन्यथा की स्थिति में पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध यथाविधि कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा, देखिए जो कितने किसान का जो खाद चाहिए अनिवार्य तौर से अपने आधार कार्ड दे करके आप ले लीजिए। यहाँ बहुत सारे प्राइवेट एजेंसी के भी हम लोग लाइसेंस दे रखा है, खाद बेचते हैं। देखिए खाद है आपको पहुँचने के पहले सरकार ने अच्छा खासा सब्सिडी देती है जो खाद बनाने वाले कंपनी को, यूरिया है, DAP जो भी लेते हैं वो सरकार चाहती है जो उचित किसान है केवल उन्हीं के हाथ में मिले, किसी बिचौलिए का और किसी दुकानदार का किसी एजेंसी के नाम मिले वो कालाबाजारी करके तो फिर वो सरकार का धन को दुरुपयोग करें। मैं आप सारे किसान को चैनल के जरिए से अपील करने चाहता हूँ, आप आधार से ही ले लीजिए। आपके पास आधार नहीं है तो कृपया करके आप मत लीजिए, ताकि बिना आधार का हमें जांच करने के लिए बहुत परेशानी होती है। आधार होता तो हम तसल्ली हो जाते हैं, आप किसान हैं, उसके बाद जाँच करने के लिए पूरा हमारे पास डिटेल रहता है, फिर वो पैसा है दुरुपयोग होने के संभावना बहुत कम होता है, इसलिए हमने आधार अनिवार्य कर दिए। किसी भी किसान को जो खाद लेना है और सरकार का सब्सिडाइज आइटम जो भी आप अनुदान प्राप्त करने चाहते हैं सरकार से, वो आइटम लेने के पहले आप आधार का कार्ड दे दीजिए, आधार अनिवार्य है। सर जो कालाबाजारी कर रहे हैं खाद के लिए, इसके लिए उनके ऊपर क्या करें? देखिए उसको उन लोगों पर तो हम सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे, जो भी किया है उनका रिकवरी होगा पूरा पैसा, उसके बाद दंडनीय अपराध है इसलिए तो मुकदमा भी दर्ज करेंगे और बाकी जो लाइसेंस कैंसिलेशन इत्यादि जो कार्रवाई होना है वो पूरा होगा उनका।